नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने सभी जिला उपायुक्तों व दवा विक्रेताओं के संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। पल पल हरियाणा से ये खास खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को सभी जिला उपायुक्तों तथा दवा विक्रेताओं के संगठनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और विक्रेताओं से अनुरोध किया है कि वे सभी प्रकार की दवाओं, मास्क व सैनिटाइजर की आपूर्ति दुरुस्त रखने की अपनी भूमिका अदा करें। वहीं बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 प्लाई मास्क की कीमत 8 रुपये रखी गई है व 3 प्लाई मास्क की 10 रुपये तथा सैनिटाइजर की 200 ml की बोतल की कीमत 100 रुपये तय की कर दी गई है। इसलिए सभी विक्रेता तथा वस्तुओं की कालाबाजारी न करें एवं सरकार द्वारा तय की गई दरों पर ही इन्हें बेचा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में यदि सैनिटाइजर की कमी आती है तो संबंधित जिला उपायुक्त व अन्य जिलों में निर्माणकर्ताओं तथा विक्रेताओं से समन्वय स्थापित करके इसे की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सरकार द्वारा सैनिटाइजर निर्माण के प्रयोग में होने वाला कच्चा माल जैसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने और उनके निर्देशों व अनुरोध पर सभी दवा विक्रेताओं के संगठनों ने आह्वान दिया है कि सैनिटाइजर, मास्क और ज़रूरतमंद दवाओं इत्यादि की उपलब्धता सरकार द्वारा नियमित दरों पर ही करवाई जाए। आप देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।